का रूपांतर, जड़ का रूपांतर। देखिए जानते हो जड़ का मुख्य कार्य हमने बताया है, जड़ का मुख्य कार्य स्थिरीकरण, अवशोषण और संवहन होता है। लेकिन जब जड़ें इसके अलावा कुछ कार्य करने लगती हैं और रूपांतरित हो जाती हैं, उनके रूप में अंतर हो जाता है। जैसे जड़ तो सामान्यता जड़ ये पौधे में ऐसे होती है, पतली होती है, प्राथमिक जड़ होती है, द्वितीयक जड़ें होती है, ये थोड़ा सा मोटी हमने बना दी, ऐसी पतली होती है, ठीक है ऐसे। लेकिन अब ये हो गया, लेकिन जब जड़ें इस तरीके से ना हो करके इनमें भोजन संचित हो जाए, जैसे मूली में जड़ होती है ऐसे हो जाए, तो ये इसमें भोजन संचित हो गया तो इनमें रूपांतरण हो जाता है। आप देखोगे तो लगेगा नहीं कि ये जड़ है, तो तुम्हें उसका पता ही नहीं चलेगा ये जड़ है। तो जब जड़ों में रूपांतरित, जैसे बरगद में जड़ें जब देखोगे तो लगेगा नहीं ये जड़ है, वो लगेगा तुम्हें स्तंभ लगेगा, ठीक है, इसलिए स्तंभ जड़ें बोली जाती है। ऐसे तुम्हारी गन्ने में भी कुछ जड़ें होती हैं, तो जब उनका रूपांतरित हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण मुख्य रूप से तीन चीजों के लिए होता है, एक तुम्हारा खाद्य पदार्थ के लिए, भोजन संचित करने के लिए खाद्य पदार्थ के लिए रूपांतरण होता है, दूसरा तुम्हारा यांत्रिक सहायता के लिए होता है, यांत्रिक सहायता के लिए होता है पौधों में रूपांतरण होता है, और तीसरा है विशेष जैविक कार्यों के लिए रूपांतरण होता है, विशेष जैविक कार्यों के लिए रूपांतरण होता है। तो ये तीन चीजों के लिए हमारा इसमें रूपांतरण होता है पौधों में। तो इसमें फर्स्ट है तुम्हारा खाद्य पदार्थ के लिए रूपांतरण। तो जैसे खाद्य पदार्थ के लिए रूपांतरण में, तो ये तुम्हें पहला हमने बताया कि मूली, ठीक है, कौन है मूली, तो मूली में खाद्य पदार्थ के लिए रूपांतरण होता है। अब खाद्य पदार्थ के लिए रूपांतरण दो प्रकार का होता है, एक मूसला जड़ों में खाद्य पदार्थ के लिए रूपांतरण, और दूसरा अपस्थानिक जड़ों, अपस्थानिक जड़ों में, ठीक है। तो अब मूसला जड़ में क्या है, मूसला जड़ में जैसे पहला तुम्हारा टैप रूट है, पहला है तुम्हारा तर्क रूपी जड़, पहला क्या है तर्क रूपी जड़, फ्यूजी फार्म, ठीक है, ये तर्क रूपी जड़, इसको इंग्लिश में फ्यूजी फार्म कहते हैं, फ्यूजी फार्म तर्क रूपी जड़। तो तर्क क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जैसे मूली है, तर्क किसे कहते हैं, तकुला, तो उसमें क्या होता है कि तकले में ऐसे ऊपर कम चौड़ा होता है, फिर बीच में मोटा हो जाता है, फिर नीचे फिर चौड़ा हो जाता है, फिर नीचे फिर पतला हो जाता है, यानी कि ऊपर पतला नीचे पतला और बीच में मोटा, ये तर्क होता है, तर्क ऐसा ही होता है, ठीक है, स्पिंडल तर्क कोशिका में भी पड़ोगे स्पिंडल होता है, ठीक है। तो ये मूली की रचना कैसी होती है, तर्क रूपी ही होती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको फ्यूजी फार्म रूट कहते हैं। दूसरी तुम्हारी तर्क रूपी के बाद, दूसरा कौन है नाम बोलो, कुंभी रूपी, निपी फार्म, क्या कहते हैं, नेपी फार्म, दूसरी है दूसरी कुंभी रूपी जड़, कुंभी, ठीक है, कुंभी रूपी जड़, ये देखिए संजन में होती है, तो कुंभी रूपी नेपी फार्म, नेपी फार्म, तो कुंभी रूपी में क्या होता है, जैसे कुंभ जैसे घड़ा होता है ऐसे होता है घड़ा, तो सलजम की संरचना ऐसे ही होती है, सलजम की संरचना घड़े जैसी होती है, कुंभ घड़े जैसा, तो नैपी फार कुंभी रूपी, ठीक है। अगला शंकु रूपी कॉनिकल फार, तो शंकु कैसे होता है, शंकु में ऊपर मोटा होता है, नीचे आके पतला हो जाता है, ये शंकु होता है ऐसे, तो हाँ, तो जड़ जो गाजर की संरचना है शंकु रूपी को क्या कहते हैं, कॉनिकल फार, कॉनिकल फार, इसको प्रोनाउंसिएशन कर लो, समय मिलेगा नहीं, कल के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी, लिखा है अच्छी बात है, लेकिन कॉनिकल, ठीक है, कॉनिकल, तो अभी साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, चलो ठीक है। तो कॉनिकल फार मतलब जैसे ये तुम्हारी गाजर होती है, ऊपर चौड़ी और फिर नीचे पतली होती जाती है, ठीक है, तो ये तुम्हारे ये गाजर,
गाजर इसका उदाहरण है। अगला कंदील, ये तथा कंदील कुछ, तीसरा चौथा कंदील, कंदील तथा कंदील कुछ, कंदील कुछ ट्यूबर फेसिकुलेटेड, ट्यूबर ट्यूबरस एंड ट्यूबरस एंड फेसिकुलेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंदिल एवं कंदिल गुच्छ दो, इसका ये पूरा नाम है कंदिल एवं कंदिल गुच्छ। तो कंदिल अलग होती है, कंदिल गुच्छ अलग, ट्यूबर और ट्यूबरस और फेसिकुलेटेड, ठीक है, ट्यूबरस और फेसिकुलेटेड। तो तुम्हारा ट्यूबरस, ये ट्यूबरस और फेसिकुलेटेड, तो इसमें ट्यूबरस किसमें होता है, कंदिल में, कंदिल किसे कहते हैं पहले समझ लो, कंदिल किसे कहते हैं, ये कंदिल कोई भी जिसकी आकार ना हो, जैसे वो जब फूलता है कंद तो ऐसे 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 फूल सकता है, ऐसे गोल गोल भी फूल सकता है, मतलब उसका आकार नहीं है, ना वो शंकु है, ना उसको कुंभी है, ना तो तरु है, ठीक है, इसीलिए इसको कंदिल कहते हैं, ठीक। तो कंदिल का क्या उदाहरण है, गुलाबास, 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 गुलाबास का पौधा देखा होगा तुमने, गुलाबास का पौधा, गुलाबास, ये कंदिल का उदाहरण है। कंदिल गुच्छ का उदाहरण क्या है, तो तुम्हारा कंदिल गुच्छ का उदाहरण है रुएलिया, क्या है रुएलिया, ये कंदिल गुच्छ का उदाहरण है, ठीक है। तो गुलाबास और रुएलिया, तो कंदिल गुच्छ क्या होते हैं, जैसे जो ये कंदिल है और यही चार पांच कंदिल एक साथ पाए जाए, चार पांच का कंदिल एक साथ पाए जाए, तो कंदिल गुच्छ का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो कंदिल और कंदिल गुच्छ, कंदिल मतलब एक कंद और कंदिल गुच्छ मतलब कई कंद एक साथ। ये तुम्हारा कंदिल, तुम्हारा मूसलाजल का रूपांतरण हो गया भोजन संचय के लिए, ऐसे भोजन संचय के लिए अपस्थानी जल का रूपांतरण होगा, ठीक है। तो उसमें अपस्थानी जलों में भी ऐसे ही है, जैसे इसमें है वैसे इसमें है, ठीक है, अपस्थानी जलों में भी ऐसे ही है, जैसे इसमें है कंदिल है कुंभी रूपी है। अब अपस्थानिक जड़ में तुम्हारा पहला क्या है, कंदिल मूल, अपस्थानिक जड़ में पहला जड़ क्या है, कंदिल मूल, कंदिल। देखिए दो बातें हैं, कंदिल अपस्थानिक में भी होता है, कंदिल मूसला में भी होता है, लेकिन मूसला में क्या है, मूसला में जैसे ये है तुम्हारा गुलाबास में है, तो गुलाबास में उसकी जो प्राथमिक जड़ है, जो मूसला जड़ है, प्राथमिक जड़ से कंद बनेगा ये, ठीक है। और अपस्थानिक में क्या होता है, अपस्थानिक में कंद प्राथमिक जड़ से नहीं बनता है, मूसला जड़ से नहीं बनता है, ठीक है, यहां पर से अपस्थानिक जड़ें निकलती है, जब इसके उससे नोट से, इसकी गांठ से, ठीक है, गांठ से जड़ें निकलेंगी, उनसे कंद बनेगा, ठीक है, यानी अपस्थानिक जड़ से कंद बनेगा, मूसला जड़ से कंद नहीं बनेगा। तो जैसे मूसला जड़ में कंदिल और कंदिल गुच्छ होता है, वैसे अपस्थानिक जड़ में भी कंदिल और कंदिल गुच्छ होता है, कंदिल को ट्यूबरस कहेंगे और कंदिल गुच्छ को फेसिकुलेटेड कहेंगे। तो इसमें इसमें बस उदाहरण का उदाहरण चेंज है, बस कंदिल अपस्थानिक कंदिल मूल का उदाहरण क्या है, सकर का, अपस्थानिक कंदिल मूल का उदाहरण क्या है, सकर का, ठीक है, सकर का, ठीक है, ये अपस्थानिक कंदिल मूल का उदाहरण है। और कंदिल गुच्छ का उदाहरण क्या है, अपस्थानी कंदिल गुच्छ का उदाहरण क्या है, डहेलिया, डहेलिया, हाँ डहेलिया और सतावर, ठीक है, सतावर एक औषधीय फसल है और डहेलिया एक आर्नामेंटल प्लांट है। डहेलिया का तुमने देखा होगा पुष्प बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पुष्प होता है, गमलों में रखे रहते हैं, सतावर औषधीय फसल है, सतावर की खेती हमने की थी एक बार, ठीक है, तो सतावर और डहेलिया, ठीक है, तो ये कंदिल गुच्छ के उदाहरण, ठीक है। तो कंदिल गुच्छ ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक्चुअल में कंदिल गुच्छ में ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है, तो इसलिए ये अपस्थानिक जो है अपस्थानिक रूपांतरण है भोजन संचय के लिए। फिर तुम्हारा कंदिल, ये तुम्हारा ग्रंथिमय मूल, फिर क्या है, ग्रंथिमय मूल है, ठीक है, ग्रंथिमय मूल तीसरा, दूसरा ग्रंथिमय मूल, ग्रंथिमय मूल, नोडुलस, नोडुलस,
ठीक है। तो ग्रंथिमय मूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे तुम्हारा वो होता है ढेंचा होता है, तो ढेंचा की ऐसे जड़े हैं, ठीक है, ये पौधा है ढेंचा का, तो जड़ों में ये जहां था गांठे पाई जाएंगी, गांठे पाई जाती है। जो कभी 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 ढेंचे के पौधे को उखाड़ करके देखोगे, इन्हीं गांठों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। कौन सा जीवाणु रहता है? राइजोबियम। अब ये गांठे ही नाइट्रोजन को स्थिर, वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करती है मिट्टी में, ठीक है, और वो नाइट्रोजन पौधे को भी देती है। तो कुछ बार पौधे ले लेते हैं और कुछ मिट्टी में स्थिर हो जाता है। ये ग्रंथिमय जीवाणु है तुम्हारी, ये क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ग्रंथिमय, ये तो आमा हल्दी है इसमें, वैसे होता है ये भी है, लेकिन चलिए ये भोजन संचय के लिए है, ठीक है, तो इसमें आमा हल्दी होता है। इसमें कौन है? आमा हल्दी, आमा हल्दी, ठीक है। तो आमा हल्दी में ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसे ही हल्दी होती है, तो जहां तहां गड्ढे बन गए ग्रंथियां, तो वो हल्दी बन गई, ठीक है, आमा हल्दी। इसके बाद मणिकामय या मालाकार आमा हल्दी, और अरारोट भी इसका उदाहरण है। अरारोट, अरारोट का ही साबूदाना वगैरह बनता है, ठीक है। एरो रूट बोलते हैं, एरो रूट मतलब वो जड़ जो है तीर की तरीके से होती है, जैसे ये तीर क्या होता है ऐसा जी, तो ये एरो रूट होती है, एरो रूट, एरो एरो रूट होती है, ठीक है, एरो रूट, उसको अरा रूट बोलते हैं, लेकिन एरो रूट होती है, जैसे पौधा है ऐसी जड़ होती है भाई, बाण ऐसे ही तो होता है जी, तीर ऐसे ही तो होता है, इसको ऊपर कर दो तो ये तीर बन जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये एरो रूट इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इससे साबूदाना वगैरह बनता है, इसकी बहुत बड़ी खेती होती है एरो रूट की। तो एरो रूट और आमा हल्दी, मणिका में या मालाकार जड़े, ये तुम्हारी पोई में, ठीक है, और जंगली अंगूर में होती है, मणिका में या मालाकार। इसमें जो है ये जड़े होती है तुम्हारा मणिका में, मणिका में या मालाकार, तो जैसे ये जड़े हैं तो ये ऐसे ऐसे मणिकाएं, जैसे ना ऐसे ऐसे मणिकाएं, तो इसमें भोज्य पदार्थ संचित हो जाता है, तो ये मणिका में या मालाकार जड़े हो, ये तुम्हारा पोई, ये पोई और जंगली अंगूर में। पोई, पोई का पत्ता खाए हो कोई लोग गाँव में? पोई के पत्ते पकौड़ी खाए हो? वही पोई है, ठीक है, उसकी भी जड़े ऐसी होती है। जंगली अंगूर, तो अंगूर को देखे हो गए पौधे, जंगली अंगूर। उसके बाद वलयित मूल, ठीक है, उसके बाद वलयित मूल, वलयित मूल, वलयित मतलब होता है वलय, वलयित मतलब होता है वलय, जैसे ये जड़ है तो वलय मतलब ऐसे ऐसे, ये वलय होते हैं, ये जैसे जड़ के ऊपर वलय पाए जाते हैं, तो ये वलय, एक वलय, दो वलय, तीन वलय, चार वलय, ठीक है, तो ऐसी जड़े ये वलयित मूल बोली जाती है। जिन जड़ों में वलय पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वलयित मूल कहते हैं, एनुलेटेड रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एपीकॉक होता है, एक पौधा, एपीकॉक के पौधे में ये जड़ें पाई जाती हैं। देखिए पौधों के नाम अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप से हैं, कुछ याद ही करने पड़ेंगे, और एक जब हमारे साथ पढ़ते रहोगे, प्रोनाउंसिएशन करते रहोगे, दिमाग रखोगे, देखिए मेमोरी में भरने का एक और तरीका होता है, ये प्रोनाउंसिएशन जरूर करो, ठीक है, जो बोला जाता है उसको प्रोनाउंसिएशन को अगर दिमाग में फिट कर लोगे तो मतलब तुम्हें याद हो गया, फिर तुम्हें दोबारा दिमाग को जबरदस्ती मत याद कराओ, दिमाग जबरदस्ती अगर याद कराओगे तो कभी याद नहीं होगा, हमेशा इंजॉय करने का प्रयास करो, जितना ज़्यादा लर्निंग को इंजॉय करोगे उतना ज़्यादा अपने आप तुम्हारी मेमोरी में फिट हो जाएगा, और ये तुम देखोगे जब कभी तुम्हें जरूरत लगेगी, जब एग्जाम देने बैठोगे तो फटाफट तुम्हें याद आने लगेगा। तुम दिमाग को परेशान ना करो, ये ना करो कि अभी भूल गए सर, चूंकि उसको परेशान ना करो, दिमाग फ्री रहना चाहता है, दिमाग मेमोरी में कभी भरना नहीं चाहता, वो अपने आप जा जाता है, ठीक है, और मेमोरी भी जब ही आपको आउटपुट देती है जब आप सामने बैठते हो। अब देखो कभी कभार बहुत सी चीज़ें आपको एकदम नहीं याद रहती, लेकिन जब आप उसको कोई परिस्थिति ऐसी होती फट से याद आ जाता है। बहुत से मित्र हैं जिनको आप भूल चुके हो और एकदम सामने पड़े 15 साल बाद भी नाम उनका याद आ जाता है, तो आप ताज्जुब करते 15 साल बाद देख कैसे। तो मेमोरी का काम, मेमोरी आप अगर उस याद करोगे चीज़ नहीं याद आती, वो याद जब परिस्थिति सामने होती स्वयं दिमाग
मेमोरी का फंक्शन करती है। तो जब परीक्षा में बैठोगे, तुम सोचो परीक्षा में दो दो तीन तीन घंटे लिख लेते हो, तब तुम सोचते भी नहीं होगे कि इतनी देर हम लिख लेंगे। तो मेमोरी जब आप कहीं परिस्थिति होती है उसी समय आपकी मेमोरी आ जाती है। पढ़ो इंजॉय करके, इसलिए ना पढ़ो कि कोई चीज़ याद करने के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, ओके।